संसद में आतंकी हमले को 23 साल हो चुके हैं। बता दें कि उस हमले में 5 जवान और एक सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो गई थी। वहीं आज उसकी बरसी पर उस घटना के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसको लेकर हमारे संवाददाता शुभ सेठ ने दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से खास बातचीत की। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची में शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। इस विषय को लेकर वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। संसद के हमले को आज 23 साल हो चुके हैं, जिसमें देश आज 23वीं बरसी मना रहे हैं, जिसमें 5 जवान और एक सफाई कर्मचारी की मौत हो गई। जिसमें हमारे ज्यादा बात करें तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी मौजूद हैं। सर, 23 साल हो चुके हैं संसद में हमले को लेकर, आज आपने आरोप लगाया दिल्ली की मुख्यमंत्री आदित्य कुमार रैना के पैरेंट्स के कुछ डॉक्यूमेंट पे उनके सिग्नेचर पाए गए हैं, क्या कहेंगे सर? हम ये सवाल पूछ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि संसद पर हमला, देश के लोकतंत्र के मंदिर पर हमला था, उसमें हमारे जवान शहीद हुए थे, और जो इस हमले के पीछे अफजल गुरु था उसकी रिहाई और माफी के लिए जो याचिका महामहिम राष्ट्रपति को दी गई थी उस पर आपके माता पिता के हस्ताक्षर हैं या नहीं? अगर हैं तो आप अपनी भूमिका स्पष्ट करें, बताएं कि क्या कारण था कि जो आतंकी है उसकी रिहाई के लिए आपके माता पिता साइन कर रहे हैं, आपकी अपनी मजबूरी बतानी चाहिए। सर, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो लगातार आम आदमी पार्टी है बीजेपी पे आरोप लगाती आ रही है, क्योंकि स्कूलों में लगातार जो है बम फेंक मिलते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो सारे हॉक्स कॉल है, फेक कॉल है। दिल्ली के जो मूल विषय है भ्रष्टाचार, सड़क, बिजली, पानी, उससे ध्यान हटाने के लिए कुछ लोगों की ये साजिश है जो दिल्ली का माहौल खराब करना चाहते हैं, और दिल्ली पुलिस तत्परता से उस पर काम कर रही है। पहले भी ऐसे लोग पकड़े गए हैं, आगे भी पकड़े गए। सर, आम आदमी पार्टी ने चुनाव के लिए भी 2 सूची जारी कर दी है, कांग्रेस पार्टी ने भी 1 सूची जारी कर दी है, नई दिल्ली से चुनाव शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित करेंगे, इसको किस तरह से देखते हैं? हम इसको, ये उनका निजी मामला है, उनको कहाँ से लड़ना है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सूची में कौन कहाँ है, ये हमारे लिए विषय का नहीं है मामला। अंततः मुझे लगता है कि ये दोनों तरह एक दूसरे के साथ जाएंगे और एक दूसरे को डराने की कोशिश कर। सर, एक आखिरी सवाल मैं चाहूंगा, जो आम आदमी पार्टी लगातार महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा कर रहा था, अब उन्होंने कहा कि 1000 रुपए के बदले 2100 रुपए को देंगे, रजिस्ट्रेशन अभी शुरू हो चुके हैं महिलाओं के लिए। पहले उनसे पूछे, जो 1000 रुपए का वादा था वो पूरा हो गया। लोकसभा चुनाव में घोषणा की थी कि हम सितम्बर तक हर माता बहन के अकाउंट में 1000 रुपए दे देंगे। दिल्ली में तो किसी के अकाउंट में नहीं है, पंजाब में सरकार बने 2 साल हो गए, वहां किसी के अकाउंट में नहीं है। सिर्फ झूठ बोलना और चुनाव के समय झूठ बोलना, इससे आप बार बार दिल्ली और देश की जनता को धोखा नहीं देते। बहुत बहुत शुक्रिया।